ऑनलाइन गुरु डॉक्टर कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र साहब और आप अभी देख रहे हैं मेरी ऑनलाइन गुरु डॉक्टर कुमार यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करने वाले इंडिया पोस्ट की लेटेस्ट एडवर्टाइज के बारे में, यानी कि 10th पास के बेस पर जो अभी एडवर्टाइज पड़ी हुई है जिनकी शुरुआती जो डेट है वो 5 अगस्त 2019 है और लास्ट डेट इसकी फॉर्म फिलअप की है 4 सितंबर 2019 और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास तक की है। अलग अलग स्टेट में उसकी वैकेंट सीट्स अलग अलग है, उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे आपको। मेरे चैनल के अंदर गुजरात तथा इंडिया की वो सारी वेबसाइट की जो आपको यूजफुल हो सकती है उसके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बात करेंगे मेरे वीडियो में कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। फॉर्म 3 स्टेप में अवेलेबल है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी 10th की जो मार्कशीट है उस हिसाब से अपना नाम लिखिए और अपना आधार नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फॉर्म की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी ऑनलाइन। जो पेमेंट है वो सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए ही है, अन्य कास्ट के लिए फॉर्म की फीस नहीं है। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सारी बातें हम मेरे वीडियो में आगे करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। फ्रेंड, सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कीजिए। यहाँ पे मैं गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ और आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ। ये है इंडिया पोस्ट की मेन वेबसाइट जिसका ये होम पेज है। आप ये लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो वहीं से भी आप डायरेक्टली इस पेज पे जा सकते हो। ये जो फॉर्म है वो 3 स्टेप में अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेज जो है वो रजिस्ट्रेशन का है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सेकंड स्टेप में आप फी पेमेंट कर सकते हो। याद रखिए कि फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है, सिर्फ ओपन कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए ही फीस है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपको 3 स्टेज में अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, सेकंड स्टेप में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और थर्ड स्टेप में उसे सबमिट करना है और प्रेफरेंसेस सेट करना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी मैं दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने से पहले 10th की मार्कशीट अपने पास रखिए ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में इजी रहेगा। सबसे पहले अपना एप्लीकेंट नेम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। एप्लीकेंट नेम जो कि 10th क्लास की सर्टिफिकेट पे मार्कशीट पे जो लिखा हुआ है वही नेम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद फादर नेम, वो भी आपको 10th की मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है वही नेम यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, टाइप कीजिए। फ्रेंड्स, गुजरात सर्कल के लिए मैंने ऑलरेडी गुजराती लैंग्वेज में ये वीडियो डाला हुआ है। उसके अलावा आसाम वगैरह स्टेट के लिए मैंने स्पेशली हिंदी वर्जन में ये वीडियो बनाया है। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल में गुजरात और इंडिया की सारी वेबसाइट के एनालिसिस के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं जो आपको यूज़फुल हो सकते हैं, तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे आपको। गाइस, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना चूज़ कीजिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो, और उसके बाद अपना जेंडर मेल या फिर फीमेल, और कम्युनिटी कौन सी कैटेगरी है आपकी, एससी एसटी ओपन, और उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो यस और नो कीजिए, अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो यस और नो कीजिए। डिसेबिलिटी पर्सन के लिए ही है, और अगर डिसेबल है तो फिर कैटेगरी कौन सी है और सब कैटेगरी कौन सी है वो भी आपको चूज करनी पड़ेगी। और इसके बाद 10th क्लास की जो पास आउट है कौन से सर्कल से आपने किया है, मतलब गुजरात से किया है, बिहार से किया है, कौन से स्टेट से किया है, वो आप सर्कल यहाँ से चूज़ कीजिए। यहाँ पर लिस्ट ऑलरेडी दी गई है। और फिर अपना बोर्ड कौन सा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए।
यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो कि काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं कि आपने कौन से साल में पास आउट किया है। यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उनमें से आपका जो 10th की मार्कशीट में जो साल लिखा हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन दीजिए। फिर ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद आपको फ़ोटो पासपोर्ट और सिग्नेचर को अपलोड करना है। जो फ़ोटो की साइज़ है वो मैक्सिमम आपको 50 KB तक सीमित रखना है, और उसकी जो DPI है वो 200 DPI तक आपको सेट करना है। और सिग्नेचर में आपको 20 KB तक की साइज़ रखनी है, और उसका DPI भी 200 DPI तक सेट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा को टाइप कीजिए, फिर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, और फॉर्म आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। अगर सब डिटेल सही है तो फिर आप सबमिट कीजिए। फ्रेंड्स, डिटेल को फिर से एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हो, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जो कि एक परचेज में लिख कर रखिए, या फिर इसका प्रिंटआउट निकाल लीजिए, या फिर PDF में सेव रखिए, ताकि नेक्स्ट कोई डिटेल में रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता हो तो आप इसीलिए उसको फिल कर सको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और रजिस्ट्रेशन नंबर एक जनरेट हो चुका है। इसमें जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो डिटेल फिल की थी वही डिटेल यहाँ पे शो करेगी। फिर से एक बार देख लीजिए, और उसको यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, और उसको PDF के रूप में भी आप सेव कर सकते हो, और अपने लैपटॉप में कहीं पर भी रख सकते हो। और उसके बाद सेव करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेज है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा फी पेमेंट का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अभी PDF में सेव कर रहा हूँ इस रजिस्ट्रेशन डिटेल को। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि ये जो इंडिया पोस्ट की फॉर्म फिलअप की प्रोसीजर है वो 3 स्टेज में अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेज में आपका रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप में आपको उसकी फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। याद रखिए कि फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं आपको पे करनी है, सिर्फ ओपन कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को ही यहाँ पे फ़ी पे करनी होगी। 10th क्लास में आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स के साथ पास आउट किया है तो ही आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अन्यथा नहीं। तो कृपया इस बात को अपने ध्यान में रखिए। यहाँ पे मैं सेकंड स्टेज फ़ी पेमेंट का आपको दिखा रहा हूँ कि फ़ी कैसे पेमेंट करते हैं। ये पेज में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डिमांड करेगा, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज, फ्लैश मैसेज दिखाई देगा स्क्रीन पर कि आप एलिजिबल हो फ़ी के लिए, या फिर आपको फ़ी में से छूट दी गई है। यहाँ पे कोई फीस मुझे पे नहीं करनी है। तो उसके बाद में थर्ड स्टेज जो एप्लीकेशन का है उसमें मैं डायरेक्टली अभी आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। यहाँ पे थर्ड स्टेप, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिए, और फिर एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर भी आपको 10th क्लास की मार्कशीट की आवश्यकता रहेगी, तो उसको अपने पास में रखिए, और यहाँ पर फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कीजिए, और फिर अपना जो सर्कल आपने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त सिलेक्ट किया था वो सर्कल को चूज़ कीजिए, और फिर फॉर्म को सबमिट कीजिए। आप स्टेप देख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और अपना प्रेफरेंसेस आपको चूज़ करना है, और बाद में प्रिंट आउट करनी है। प्रिंट आउट करोगे तो ही आपका वैलिड होगा ये फॉर्म। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्कल चूज़ करके सबमिट करोगे तो अपने मोबाइल पे एक OTP मैसेज आएगा। वो OTP मैसेज को टाइप करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि मेरा फॉर्म OTP मैंने डाल दिया है। अब नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी स्क्रीन पर आ रहा है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि काफ़ी सारी डिटेल ऑलरेडी फिल की हुई है। यहाँ पे अपना आधार नंबर जो कि मैंडेटरी नहीं है, ईमेल आईडी भी मैंडेटरी नहीं है, पर आप डाल सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप अभी क्या कर रहे हो, वो आपको टाइप करना है।
अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो अभी तो आप अनएम्प्लॉय लिख सकते हो, हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ लिख सकते हो, और कोई जॉब वगैरह कर रहे हो तो वो कर सकते हो। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपको NOC अवेलेबल है कि नहीं, यस और नो पे टिक मार्क कीजिए। कैन यू राइड ए बाइसिकल, आप बाइसिकल चला सकते हो कि नहीं, यस और नो कीजिए। और बाद में अपना एड्रेस आप टाइप कीजिए, अपना जो भी एड्रेस है वहाँ पे टाइप कीजिए, परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। और फिर अपना मार्कशीट की डिटेल यहाँ पे फिर से आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे ही अपना स्टेट बोर्ड आप सिलेक्ट करते हो और 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर डालते हो तो नीचे टोटली मार्क्स आपको दिखाई दे रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मार्क्स फिल करने पड़ेंगे। यहाँ पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट्स है तो उसकी डिटेल भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर बाद में आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई मुश्किली ना पड़े। और फिर अपनी टर्म कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए, बॉक्स पे टिक मार्क कीजिए, फिर सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पे ले जाएंगे। और पॉपअप अपना अगर क्लोज है तो पॉपअप को ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट विंडो में ये पेज ओपन होगा। नेक्स्ट टैब में यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू में अभी कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी मुश्किली आ रही है तो मेरे वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा। और डिटेल एडवर्टाइजमेंट PDF फॉर्मेट में मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ डाली हुई है तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो उसको। और ये फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 4 सितंबर 2019 है तो उसको याद रखिएगा। उसके पहले फॉर्म फिल ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैश मैसेज आ गया, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसके ऊपर ओके क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने वो अभी दिखा रहा हो। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th की मार्कशीट, और कोई कास्ट में आ रहे हो आप SC ST OBC वगैरह कास्ट में हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो कि 60 डे का आपने कोर्स कोई भी किया हुआ है कंप्यूटर का, तो वो 3 सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। उसकी जो साइज़ है वो अप टू 200 KB तक आप अपलोड कर सकते हो 6 PG फॉर्मेट में। और यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो आप कि कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद राइट साइड में जो चौरस बॉक्सेस दिए गए वहाँ पर आपका मार्कशीट आ जाएगा। और फिर बाद में डिक्लेरेशन जो दिया गया है सभी बॉक्सेस पे टिक मार्क कीजिए। यहाँ पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। और बाद में सेव एंड कंटिन्यू कीजिए ताकि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाए। इसके बाद आपको प्रेफरेंसेस सेट करने हैं। अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अपलोड होने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा आपको, अपना डॉक्यूमेंट्स। और बाद में टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हो ताकि नेक्स्ट स्टेज में ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले जाएंगे आपको। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ऐसा फ्लैश मैसेज आपको दिखाई देगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके ऊपर ओके करने के बाद यहाँ पे चूज प्रेफरेंसेस वाला स्टेप दिखाई देगा आपको। आप देख सकते हो कि प्रेफरेंसेस वाला पेज यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5, पांचों ऑप्शन आपको फिल करने हैं। सबसे पहले अपना डिवीजन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ऑलरेडी लिस्ट किया गया है। अपना स्टेट जो भी सिलेक्ट करते हो उसके जिले जो भी है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। और उसके बाद सिलेक्ट पोस्ट में वो जिले की जो भी पोस्ट है कैटेगरी वाइज और सैलरी वाइज जो भी पोस्ट है अभी वैकेंट है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। उनमें से अपने हिसाब से आप चूज़ कीजिए। पांचों ऑप्शन चूज़ करने के बाद सेव एंड प्रिंट पे क्लिक कीजिए।
ताकि आपका फॉर्म का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि यहाँ पोस्ट कैटेगरी वाइज और सैलरी के साथ दी गई है, ऑलरेडी लिस्टेड की गई है, उनमें से आपको जस्ट सिलेक्शन करना है, कुछ टाइप नहीं करना है। पांचों प्रेफरेंसेस जॉब के लिए हैं कि आफ्टर जॉब आपको कहाँ कहाँ जाना है। आप देख सकते हो अभी कि मैंने पांचों ऑप्शन फिल कर दिए। अब मैं 7 प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो प्रिंट के बाद फॉर्म आपका कैसा दिखाई देगा वो अभी आपको दिखाएंगे। जैसे ही आप प्रिंट पे ऑप्शन दे रहे हो 7 प्रिंट पे, तो आपका फॉर्म ऐसा कुछ दिखाई देगा। आप स्क्रीन पर सभी डिटेल देख सकते हो। ये सिर्फ मैंने एक डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो दिखाया है। अपने स्टेट जिला के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और बाद में इसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो या फिर PDF फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर में सेव रख सकते हो या फिर उसको आप मेल में सेंड भी कर सकते हो। आशा रखता हूँ कि ये फॉर्म फिलअप करने में आपको मदद रूप ज़रूर होगा। अगर कोई अड़ोस पड़ोस में अपना फ्रेंड को फॉर्म फिल करना है तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। गैस, यहाँ हमने बात की कि इंडिया पोस्ट की जो लेटेस्ट एडवर्टाइज 10th पास के क्वालिफिकेशन पे अभी शुरू हुए उसका फॉर्म फिलअप कैसे करें। मेरी चैनल के अंदर ऐसे ही यूजफुल वेबसाइट के एनालिसिस के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो चैनल को अब तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे आपको। अगले हफ्ते फिर से ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के एनालिसिस के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सभी का खूब